घूम रहे हैं, दिल्ली की गाड़ी थी वो। ला 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 मम्मा हेलो कर दो एलुज भाई वाले ब्लॉग में। अभी चल रहे हैं फटाफट से, ठीक है ना, घर से मैं निकलता हूँ, बैग पैक हो चुके हैं, कुछ सामान था। अरे पता है वो विस्सी बात है मम्मा, यार ये कोई गल्ला दस्तान की, ठीक है। अभी एक बार सामान था कुछ जो हमने नहीं भेजा, और अंकल के लोअर ओवर भी इसमें, तो ये आंटी को पकड़ाया हूँ। आंटी ये बेचारी इतनी क्यूट सी, उन्होंने साबुन भी भेज रहा है क्योंकि साबुन ना मिलते। अरे आंटी यार कैसी बात कर रहे हो आप, आप पे तो बॉडी वॉश मिले। आंटी तो क्या लग रहा है आपको, बताएं आप जनता को। नू कहेगी ये रोज आ जावे, मेरे तो कुछ कुछ पूछना है, मैं क्या क्या बोलूं। आपने लाइव नहीं देखा आज? लाइव देखा। अच्छा, ना रात में 3:30 बजे सोई थी, सुबह 5 बजे उठ के ना फटाफट काम खत्म करके 9:30 बजे फिर उठ। आपको कपड़े कैसे लग रहे हैं हमारे, सही लग रहे हैं जो भेजे मैंने? नू यहां बड़ा नए नए कपड़े भेजते हैं, कल का लोअर अच्छा लग रहा है ना, डिजाइनर सा मस्त। अभी तो और भी कैडे कैडे हैं, और इसके जो नाइट सूट है ना वो तो इसने बांट दिए आशिका वाशिका को और इन सबको। आशिका ने मजा आ गया पैर का कि अरे ये तो मेरे फिट का, उसका छोटा है हमारे छोरे का। 3 जोड़ी तो दे चुका। एक तो उसने दे दिया आशिका बांट दिया था, एक जिया को, उसको जिया कह रहा हूँ क्या नाम उसका, मनीषा रानी तो दे दिया, और एक और पड़ा ओढ़ है वो देखा किसते दे होगा। और ये भी ऐसे है कि हाँ एलिश के कपड़े हम पहने, हम पहने हमें दे दो। अरे कपड़े ऐसे भेजे हम क्या करेंगे बताओ यार, सिस्टम है। तो ये बताओ आप कि जैसे अभी मैंने आपको एक जियो सिनेमा वाली प्रोमो वीडियो दिखाई, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि किस किस की लड़ाई गुथाई होने वाली है आज? लड़ाई वड़ाई कुछ ना होनी है, ये वैसे ही शोर मचावेंगे जैसे हमें पता चल गया इन चीजों का, तो अभी ये ना वही फेक दिखा दे कहीं, है ना, ये सीन है। बाकी ये जो आपको मैंने दिखाया था बिलबोर्ड वाली फोटो, गाइस मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारा थोड़ा सा जो हमने प्लान अप किया था वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट हुआ है। विनय भैया ने मस्त मस्त जगह पर, इतने मस्त मस्त जगह पर है ना, बिलबोर्ड लगा दिए। आप कोई भी जो गुड़गांव दिल्ली की जनता है, एक एम्पियंस के सामने जो टोल जो हुआ करता था पहले, लेफ्ट में रेडिसन पड़ता था जस्ट एम्पियंस के सामने, तो उस पर कहीं भी आप स्पॉट करो एलविश का बिलबोर्ड ऊपर बहुत बड़ा पोस्टर, तो इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करके डालें, मैं पोस्ट करूंगा एलविश के अकाउंट से, हमें किसी को भी टैग कर दें। और मैं है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी डॉक्यूमेंट फाइल भेज दूंगा पोस्टर की, तो अगर आप किसी भी शहर से हैं, फॉर एग्जांपल जयपुर आगरा कहीं से भी हैं, कहीं से भी, तो आप उसको बस प्रिंट करवा के लगवा दो। हमने डिज़ाइन कर दिया आप लोगों के लिए और अलग अलग साइज में कर दिया, जो आपको प्रिंट करवाना है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आंटी आपको आपको कैसे लगे जो हमने ये लगवाए हैं, मस्त लग रहे हैं ना? हाँ यार, अभी तो एक जो सबसे बड़ा लगेगा ना खेड़ी गजोला वाले टोल पर, वो देखना घना कैडा है। गाइस मैं आपको भी दिखाता हूँ, रुको ग्रुप पे फोटो आई थी, मैं दिखाता हूँ, रुको कहाँ गई, ये देखो, वेट करी, ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना। ये है जी एम्बियंस के सामने वाला, ये देखो तुम, इस पर साफ साफ लिखा पड़ा वोट फॉर एलविश, एलविश इज द बॉस, एलविश बीबी विनर्स ये स्टाम बिग बॉस 42 वोट फॉर, वोट नाउ एडेड जियो सिनेमा, और हाउ टू वोट का भी दे रखा है। ये रही भाई की फोटो और ये रही सल्लू भाई की फोटो, ले भाई से स्टाम टी का सलगा, मस्त लग रहा। ये चीजें देख के थोड़ा सा प्राउड वाली फीलिंग आ रहा है ना कि भाई कि अरे ये कौन एक्टर है, अरे ये तो अपना ही है। तो भाई पीछे आप लोग देख रहे होंगे टीम ने जो वादा किया था कर दिखाया है। विनय भाई ये तो ट्रेलर है ना? ये ट्रेलर है, इससे बड़ा विस्फोट होने वाला भी। देखो क्या दिखा रहे हैं एक बार, ये देखो, ये भाई दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे लगा है टोल पे, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खिड़की डोला वाले टोल पे, और यहाँ पे देखते हैं कि अपना पोस्टर लग गया है या नहीं लगा। सुनने में आया था कि लगने वाला है, लग गया होगा, पर देखते हैं, जो भी सीन है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। बाकी भैया भी पहुंच गए, क्या कर रहे हो आप, देख इससे बड़ा है भाई, ये अभी ये तो थोड़ी है, तो हमारे मोदी जी और खट्टर साहब है, हमारे भाई मोदी और सलमान जी लगेंगे ना। हाँ ठीक है, हमारे भाई सर सलमान जी, सॉरी भाई, सिस्टम है, के करे सिस्टम, तू ही बोर्ड बाड़ लगाते रहे बड़े बड़े, नू ही है बोर्ड बाड़ लगवाते रहे, मैं प्रचार प्रचार करते रहे, मैं ये एलविस बोर्ड में टक्कर खड़ा कर दिया, सिस्टम है मोदी जी, मोदी जी आपको आपको रिस्पेक्ट है, पर कोई बात नहीं, इस टाइम हमें सपोर्ट की जरूरत है मोदी जी आपके, तो सपोर्ट देना। 12 तारीख तक सिस्टम हम बांध रखे, 12 तारीख तक माफी है, 12 तारीख तक मोदी जी माने से टोल है भाई, ओके टोल के जस्ट लेफ्ट, ओके डन है भाई। उस टोल की आपने देख ली वो गुड़गांव दिल्ली वाले की है ना, क्या कह रहा हूँ। हाँ भाई क्या रेट चल रहा है यहाँ भाई? ये ऑन हाईवे है भाई, ये करीब करीब होगा मतलब कुछ, कितने कितने किले हैं होगा, लैंड बेस ज्यादा सिस्टम है भाई गुड़गांव, यहाँ पे पाएगा 2.5 लाख रुपए,
गज में बात ही मत करें, करोड़ों में बात कर, सीधा किले का भाई। एज फिर हम लोग आंटी का हालचाल पूछने आ गए और आंटी से ओपिनियन लेने आ गए कि भाई कल जो भी भैया ने रोस्ट करा, सबसे पहले तो अलीश भाई का रोस्ट का रूप 2 साल के बाद देखा सबने, तो सलमान खान भी देख के थोड़ा हंस रहा था सुन के। बाकी अलीश भाई ने पकड़ पकड़ के सबको रोस्ट करा, और वो भी ऐसा देखो कि टेलीविजन पे करते भाई ने सीधा रोस्ट, यू भी नहीं यूट्यूब चैनल पे। तो आंटी कल आपने देखा रोस्ट, सबको पकड़ पकड़ के एक एक बंदे को अच्छे से समझ तो पूजा पहले गलती मान ली थी अपनी, हाँ कि भाई मेरे को माफ कर देना, ये तो है। तो सब वैसे मजे के लेता है एलविश भाई, वैसे पूरे उसमें मजा ही कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि भाई मैं तो मजे में हूं, कोई सीरियस कर ही नहीं रहे। और जो 2 साल पहले रोज चैनल होते थे वो भी मजे के लिए होते हैं, वो तो है ही। आपस में और की बट रहा है, जो आपस में जो रोस्ट वगैरह करते रहे, हंसी मजाक चलते रहे, इस चीज तो उन्होंने पूजा को मस्त रोस्ट करा था बेबी का ऐसी ऐसी कर दी थी, लेन देन कर दी थी। तो आपको सबसे बेस्ट वाला रोस्ट किसका लगा? सबसे बेस्ट किसका था? आंटी को कंफ्यूजन में डाल दिया हमने, बेस्ट तो सारे थे वैसे तो, तो बढ़िया बना रखा था। ये आपको क्या लगता है, बेने खुद लिखा था ना ये? हाँ, और आंटी कल ये भी बता रहे कि ना अविनाश और अलीश भाई की लड़ाई हुई थी बिग बॉस वो सलमान खान के सामने, पर वो दिखाया टेलीकास्ट नहीं करा, ऐसा कुछ रूमर्स आ रहे हैं। लगानी पर कल ही लगा लो, ट्विटर पे भी काफी था ये कि भाई लड़ाई हुई है, पर्सनल लड़ाई हो गई थोड़ी, और उसको टेलीकास्ट नहीं कर रहे, पर कल कुछ ऐसा दिखाया नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा था। आपने कल देखा कल जिसकी फुकरा का वो टास्क दिया था, फुकरा भाई और मनीषा को गीला होने वाला, अलीश भाई को पहले पता लग गया कि मेरे को बिठाएंगे अपना कोट कोट उतार के, मेरे बेटा कितना समझदार है कोट बचा लिया और अपनी शर्ट थोड़ी सी गिली होगी। और बाकी जिसके आपको क्या लगता है कल को अलीश भाई बाहर आएंगे तो उनकी दोस्ती यारी किससे अब बनेगी? दोस्ती यारी जहाँ तक होने लगे शायद मनीषा के साथ रह सके, मनीषा और फुकरा भाई तो अपने है भाई यूट्यूब कम्युनिटी के, तो वो तो हमेशा रहेंगे। आशिका के साथ भी अच्छी, आशिका मुश्किल है, बोल चाल तो सबसे रहेगी, और आंटी घर पता कौन आएगा बेबी का? आंटी कल को वैसे बेबी का घर आ गई फिर, वो तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा मैं मेरे को पसंद हो तुम्हें, नहीं जैसे अब कल को आ गई बेबी का ब्याह, मतलब वो ना ना ब्याह शादी के लिए आ जाए, यू कहते आंटी गेट ही नहीं खोलेगी, आंटी कहेगी हाँ वो बेटा बिग बॉस खत्म हो गया जाओ, एलिस तो है नहीं, वो तो है ही। वो सब यही कह रहे हैं कि 26 किया, पर मेरे को लगता नहीं बेबी का, हाँ छत्तीस भाई की। और आपको पता है कल जो वो बंदी नहीं आई थी जो मनीषा को कुछ कह रही थी एज अ ऑडियंस आई थी, याद है? वो एंडेमोल वालों की बंदी थी, हाँ पर अंकल के पास भी जाएंगे हाउस टूर देने की, जितना काम होगा थोड़ा बहुत दिखा देते। चलो फिर गाइज अब यहाँ से सीधा अंकल के पास चलते हैं। गाड़ी में कंप्लेंट आई है, अंकल की गाड़ी में कंप्लेंट आ गई भाई, सीएनजी पे नहीं हो रही, चलाइए भाई ये ठीक है। अंकल कह रहे कि भाई ये पेट्रोल का होता है और ये सीएनजी का होता, अंकल कह रहे कि सीएनजी पे नहीं आ रही, नहीं जा रही है इसका तो मेरे ख्याल से बटन खराब, बटन खराब होगा अंकल, लग रहा वायरिंग खराब होगी, लगा भाई ये क्या सिस्टम है, ये तो मैंने पहली बार देखा, दबा दबा अरे ना जा रही, हमारे पास भी तो यही है, एकदम चली जाती कट करके, क्या करना फिर सीएनजी की लाइट बहुत अच्छा फिर भाई इसका तो हो जाएगा काम। अंकल ऐसा करते हैं आपको नई गाड़ी के टेस्ट ड्राइव वगैरह करा लेते हैं, आप 4-5 गाड़ी देख लो उसमें से आप पसंद कर लो जो उनसे आपको भी समझ आए, वो फिर भैया के आने पे अपने डन कर देंगे, भैया को सरप्राइज दे देंगे, जो कहेंगे सीधा भाई डिलीवरी पे चलो। बताओ आप अपने रिक्वायरमेंट्स बता दो कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से हम देख लेते हैं, बताई तो थी वो वही छोटी छोटी चाहिए ना आपको, तो अंकल की ये काम करते हैं कल, तो चलो बिलबोर्ड करेंगे गाड़ी अंकल की, अंकल आपको हाँ आपकी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करा देते हैं, 2-3 गाड़ी जो भी आप पसंद करो सारी मंगा के संतुष्टि कर लो आप, उसके बाद सीधा डन कर देंगे, ठीक है हुंडई वाले के कोई देख रहा हूँ। बाकी और अंकल आपके दिमाग में और कौन सी फ्रॉन्क्स भी देखनी है आपको? वो नहीं देखनी, और बताओ पंच पंच टाटा की वैसी एक्स्ट्रा जैसी होगी, एक्स्ट्रा जैसी होगी लुक वाइज
वो इन्हें चला के देखते हैं। हाँ बलेनो, आप बता दो, हम तो सारी मंगा देंगे। हाँ सी एन जी में भी आ रही है, देख लेना अंकल कल परसों में मंगा देते हैं। बाकी पहले तो ये बताओ कि ये घर कब तक रेडी हो जाएगा? घर वो आएगा तब तक हाँ कर दें काम में, 15-20 दिन में कर दोगे? गेट गेट बनने लग रहा है, 10-15 दिन में गेट लग जाएगा मेन गेट। मेन गेट तो अंकल वाला रहा ना सिस्टम स्लाइडिंग वाला, रिमोट ले बैठे एक गेट लगाया है ऐसा। अच्छा रिमोट से खुलेगा? हाँ जी भाई, दरवाजे वगैरह आ रहे हैं टूस्टम कंपनी के। ले भाई अच्छा, 10-15 दिन मतलब एक महीने में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा कि लगभग 90%। डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जिसकी अंकल आंटी हैं तो आप लोग एलविश भाई के सपोर्ट के लिए घर आते हो, तो भाई प्लीज थोड़ा ना देख के आया करो, अंकल को भी आप लोग परेशान करते हो, आंटी को भी परेशान करते हो, कि भाई थोड़ा ना अंकल आंटी थोड़ा काम में बिजी रहते हैं, फिर दोपहर में सोते भी हैं। ये एलविश भाई ने पहले भी बोल रखा है कि भाई प्लीज घर मत आओ, आंटी को भी डिस्टर्ब होता है। हाँ जी कितने बजे आ गया था? 1:30 बजे भी तो आ गया था कोई, 12:30 बजे भी मतलब घूम रहे हैं। दिल्ली की गाड़ी थी वो, वेगनार में 4-5 थे या 6-7 थे जो भी थे। अच्छी बात तो नहीं है वैसे। हाँ जी हाँ जी भाई यही है, थोड़ा प्लीज आप लोग समझो यार, आपके भी मम्मी पापा हैं, रात को 12:30 बजे या फिर दोपहर में आप लोग आ रहे हो, अभी मत आओ, थोड़ा आंटी अंकल को भी प्राइवेसी दो। कल को अगर एलिश भाई आ जाए भाई तब आप देख लेना जैसे करना है। एलिश भाई ने वैसे मना कर रखी कि भाई प्लीज घर मत आया करो, तो प्लीज गाइज थोड़ा सा समझो, थोड़ा सिक्योरिटी का इशू कर लो या किसी की प्राइवेसी कर लो, थोड़ा समझो आप लोग भी समझो। बाकी अंकल थोड़ा सा हाउस टूर हम दे के आते हैं। भाई दिवेश भैया कहीं पे भी अपनी बिजनेस वो मीटिंग्स नहीं छोड़ते, यहाँ आके बिजनेस डील्स भाई मजाक उड़ा ले भाई, कोई बात नहीं, छोटे भाई का मजाक उड़ा ले यार। ये भैया ये कस्टम गैराज पे जा रही है गाइस, किसी को भी चाहिए हो तो इसको ले जाना। भाई कितने की बेच रहे हो भाई? अब तो एलविश किया 1 करोड़ की, तो एक करोड़ की भाई, यहाँ तो गाड़ी गुड़ी आ गई, यहाँ तो सिस्टम बैठ गया लगा। अच्छा नहीं वैसे भाई अपने तो नहीं है, इससे कुछ याद आया ग्रैंड आइटन भाई, इन्होंने हमारी गाड़ी हड़प ली, गाड़ी हड़प ली, 2 महीनों का गाड़ी नहीं दे रहे। अरे कल तो बैठ गया है परसों, कौन ग्रैंड आइटन बिटारा तो गेरी भाई, वो बोर्ड गया जहाँ अपना लगेगा। कुछ गलत किया हो तो आप बताना, इतनी महंगी गाड़ी इसको चलाते नहीं, उसको लेके डोलते रहते, हमको भाई चलानी है। ला भाई सलमान खान का चश्मा सिस्टम गुड़गांव का सबसे बड़ा बोर्ड लगने जा रहा है, मतलब मेरे ख्याल से हरियाणा का सबसे बड़ा बोर्ड है वो। पाए वजीराबाद का छोरा सबसे बड़े बोर्ड पे, सिस्टम को क्या खोल दो भाई, खोल दो रेडी हम। और तो नीचे छोड़ दिया, रुक जा एक, 3 पे छोड़ना है। अभी वायर आ रही है बार बार सामने, कोई बात नहीं अभी हटाना, बोल भाई हाथ से वायर हटाना, हाथ से ना हटाऊ ये तो खड़े हो गए लोग, तरह बैठ जाओ कि लोग के चक्कर में तोड़वा रहे हो। सही कह रहा वैसे तो डालो डालो भाई डालो, रेडी हम रेडी। क्या बात है, सिस्टम है, सिस्टम है गे, अरे सिस्टम है भाई। अरे भाई गिरा दो भाई गिरा दो, भाई बहुत खुशी हो रही है जेन्युइनली, हमारा भाई पहुंच गया बिग बॉस। अर्चित कैसा लग रहा है ना भाई? रात के जेन्युइनली 11 बज रहे और हम लोग इतने एक्साइटेड है, हम लोग सारे यहाँ बैठे, सब यहाँ बैठे, सारी सारी जगह लगा दो, सब यहाँ बैठ के इतने खुश अपने भाई के लिए।
तो गाइस तुमने देख लिया होगा आज ग्राउंड वर्क था थोड़ा ज्यादा, तो एपिसोड भी हम कम ही देख पाए, बाकी थोड़ा बहुत देखा था, अभी जाके देखूंगा मैं, ठीक है, निक के पास जा रहा हूँ एक बारी। तो इस वाले ब्लॉग को एंड कर देंगे यहीं पर गाइस, प्लीज आप भी सपोर्ट बना रखे, टेलीग्राम पे आ जाए, ज्यादा से ज्यादा पोस्टर डाउनलोड करके पोस्टर छपवाएं, शेयर करें, गाड़ियों पे लगाएं, कहीं भी लगाएं, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, रलविश को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले गाइस, वी ऑल लव यू, आई लव यू, भाई के सपोर्ट बनाए रखें, बाय बाय।